हे गाइस वेलकम टू डांस फ्रीक्स, मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं Subscribe to my channel and click the bell icon to stay notified about my latest upload. सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, हाथ क्रॉस करके 1 2, फिर एक सिंपल वेव लेंगे, बॉडी वेव ऊपर से नीचे, और राइट हैंड को इस तरह से हम लोग हाथ करेंगे, ठीक है. सो 1 2 वेव, ठीक है. उसके बाद इससे टर्न करते करते ऐसा हाथ करेंगे, ठीक है, 1 2, फिर से क्रॉस करके ये बनेंगे फ्रेम. सो 1 2 सामने, फिर टर्न हो जाएंगे इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है. अगर हो सके तो आप ऐसे टर्न ले सकते हो, नहीं तो नॉर्मल टर्न चलेगा, ठीक है. सो ये गया, फिर अंदर बाहर ऐसे राइट साइड जाएंगे, घुटनों को अंदर बाहर करके राइट साइड 1 2, फिर लेफ्ट साइड 1 2, साथ में एकदम स्मूथली करने का जैकेट के साथ 1 2 3 4, ओके. फिर शोल्डर इस तरह से मूव करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, और साथ में हाथ ऐसे रखेंगे 1 2 3 1 2 3, ओके. और इसके साथ पैर ऐसा नॉर्मल रहेगा, काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट, 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 टर्न, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बहुत बेकार काउंट किया, फिर से अब आगे करते हैं. फिर हम लोग ऐसे हाथ हिलेंगे जोर जोर से, ठीक है, दो बार ऐसे और दो बार ऐसे 1 2 3 4, ओके. और साइड में इस तरह से हम लोग स्टेप लेते लेते ये करेंगे. सो 1 2 3 4, इस तरह से क्लैपिंग करेंगे. एक साइड जाते रहते हैं, उस साइड का हाथ ऊपर जाना चाहिए, ठीक है. दूसरा हाथ फ्री थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, सीधा सीधा नहीं करने का है, साइड में क्रॉस में करने का, ठीक है. तो लेफ्ट साइड जाते टाइम शोल्डर भी बॉडी इस तरह से मूव होगा थोड़ा सा, ठीक है, एकदम एंजॉय करते करते, ओके. तो इस साइड पहले 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है, बॉडी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो इस तरह से अप डाउन मोशन भी चाहिए, ओके. तो 1 2 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके. तो फिर हाथ ऊपर ऐसे करके छोड़ देंगे, ओके. तो ये जो है, हाँ, अपने हिसाब से इसमें वेरिएशन ला सकते हो. काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, 1 2 3 4, बूम, ओके. इसके बाद जो मेन स्टेप है उसमें क्या है, जैकेट इस तरह से पढ़ के स्टेप करने का. अभी फुटवर्क मैं आपको समझाता हूँ. पैर अपना राइट लेग पहले उठाओगे, घुटनों से बेंड होगा, ठीक है, और पैर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाएगा, सिंपल इधर रखने का. अब रखते टाइम क्या करने का, अपने को जैसा पैर आएगा तो लेफ्ट लेग को ऊपर ले लेने का, इस तरह से टोस पर आ जाएगा, ऐसा होगा, सामने नहीं रखने का, ऐसे बाजू में ही रहेगा नॉर्मल. तो ये ऐसा सिंपल, ये इस तरह से, तो बॉडी का वेट है और राइट लेग पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. फिर दूसरा पैर उठा के इस तरह से करेंगे. सो ये 1, ये जो रखा पैर ऊपर आ गया, फिर ये 1 उठाया, 1 1 2, इस तरह से कंटिन्यू करने का, ठीक है. पैर अच्छे से ऊपर जाना चाहिए पीछे, ये 4 बार करेंगे, ठीक है. और जैकेट पढ़ के एकदम स्टाइल में 1 2 3 4, ओके. फिर उसके बाद ये वाला मूवमेंट हम लोग करेंगे थोड़ी देर तक, ये 2 बार 1 2, ठीक है. फिर ये हाथ घुमाया 3 और ये 4 फेंक दिया, ओके. सो 1 2 3 4, ओके. तो ये 1 2 3 4, एक और बार आ जाएगा 2 3 4, ये हो गया. उसके बाद पैर इस तरह से हम लोग रखेंगे क्रॉस में, ये वाला मूवमेंट करने का है. क्लियरली देखें तो पैर आगे रखे करोगे तो ऐसा दिखेगा. अब ये करते करते बॉडी को थोड़ा सा लूज रख के नीचे उतरने का है, ऐसे ऐसे बेसिक मूवमेंट यही है, ऐसे करने का, अप डाउन मूवमेंट है, ठीक है. ये करते करते हम लोग ये हाथ घुमाएंगे इस तरह से, तो ये उतरते उतरते नीचे आ जाएगा, ओके. फिर ये वाला मोशन हम लोग रिपीट करेंगे, ये स्टेप, ओके. काउंट पर करें 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ओके.
इसके बाद हाथ इस तरह से ऊपर, दूसरा हाथ इस तरह से नीचे, 1 2 1 2 क्रॉस में, ठीक है, ऐसे नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में हाथ मूव होगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये उसके बाद इस तरह से 1 2 करेंगे, कोई भी जैसे भी हाथ रखने रख सकते हो, 1 2 हाथ के साथ क्रॉस में पैर जाएगा, 1 2 ओके। फिर सामने ऐसे जोर जोर से हाथ हिलाने का, 1 2 थोड़ा सा पैर में स्टेप जैसा मूवमेंट है, सामने सामने धक्का मारने का और कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करने का, ठीक है। सो ये 1 2 फिर 3 4 रिपीट, ओके। फिर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 ओके। इसके बाद सिंपल मूवमेंट है, पैर इस तरह से लात मारते मारते घुमाते घुमाते टर्न करने का है, ठीक है। फिर इस तरफ टर्न करेंगे और हाथ में आपको जो मूवमेंट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। इसके बाद वेव करेंगे हम लोग, अच्छे से वेव करेंगे बॉडी को, लेफ्ट राइट मूव करेंगे। तो सर से वेव शुरू होगा और पूरा बॉडी में वेव जाएगा, और इसको एनहांस करने के लिए हाथ में ऐसी मूवमेंट करेंगे। तो ऐसे जा रहे हैं तो हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से मूव होना चाहिए, ठीक है। हाथ के वेव से ये बॉडी का वेव ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और पैर में भी इस तरह से वेव लेते टाइम पैर को इस तरह से साइडवेज बेंड करते करते लेने का है वेव, जैसा हाथ हो रहा है उसी तरह से पैर इस तरह से होगा। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ अच्छे से हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 ठीक है, एकदम फ्लेक्सिबल होके करने का। फिर उसके बाद वेव करेंगे 2 बार ऊपर से नीचे, फिर टक, फिर ये रिपीट करेंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद 3 स्पिन लेंगे, अगर 3 स्पिन होता है तो ठीक है, नहीं तो 2 स्पिन भी चलेगा। सो ये 1 2 और शैंक, ठीक है, अगर 3 स्पिन किया तो 1 2 3 और शैंक, ठीक है। तो काउंट पर करें, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 8, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो। कुछ और सीखना हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप डांसिंग।